जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, मगर जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर मुस्कुराना जानता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम मई महीने के आखिरी सप्ताह यानी कि 22 से लगाए 31 मई तक के टोटल 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, ये वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं जैसे कि SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, PCS, UPSC, NDA, CDS सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की जो PDF है उसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है वो नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और देखिए, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में जो भारतीय इस्पात संघ है यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन है, इसने किसे जो है अपना नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके दिलीप उमेन हैं, इनको जो है भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने इस पद पर TV नरेंद्रन का स्थान लिया है। दूसरा प्रश्न है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंडला। और देखिए, जो आपका नाबार्ड है इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और जो आपका नाबार्ड है इसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और देखिए, इस बैंक का जो मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तीसरा है कि किस व्यक्ति को नाबार्ड में उप प्रबंध निदेशक के पद पर बिहारी में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, नाबार्ड में बिहारी में जो आपके नवनीत बोरा हैं इनको बनाया गया है उप प्रबंध निदेशक। और चौथा प्रश्न है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है ये कब मनाता है? तो देखिए, जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है ये मनाता है 20 मई को हर साल। और देखिए, इस साल का जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे था इसकी थीम रही मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। पांचवा है कि किस तिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है? तो देखिए, जो आपका आतंकवाद विरोधी दिवस है ये 21 मई को हम हर साल मनाते हैं। देखिए, 21 मई 1991 को जो है जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी जो है हत्या कर दी गई थी LTTE नाम का एक जो है संगठन था तमिलनाडु का, उसके द्वारा। तो इसी दिन को याद करने के लिए फिर हम जो है 21 मई को मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। और जो आपको ये 54 करेंट अफेयर ठीक है, तो लास्ट में बताइएगा जरूर कि आपने इन 54 में से कितने प्रश्नों को सही किया, ठीक है। तो अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छठा प्रश्न है कि किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो देखिए, ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक आदिवासी बहुल जिला है जिसका नाम झाबुआ है। तो झाबुआ जिले में जो है बियाली में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए जो है वाहन उपलब्ध कराने के लिए इस दीदी वाहन सेवा को शुरू किया गया है। और देखिए, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इनका क्या नाम है और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये दो चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताइए। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन से जो है अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का जो है परिचालन शुरू किया? तो देखिए, इसका परिचालन बिहारी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन शुरू किया गया है। देखिए, इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को पहले जो है मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था। और देखिए, हम बात कर रहे हैं इस इंजन के बारे में जिसका नाम है WAG-12। देखिए, इसको जो है 60027 नंबर दिया गया है और इसका नाम भी रखा गया है WAG-12, ठीक है। और देखिए, इस इंजन का जो निर्माण है ये बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा किया गया है। और देखिए, इसी के साथ भारत ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। देखिए, इसी के साथ जो आपका ये हार्स पावर श्रेणी है 12,000 हार्स पावर वाला, ठीक है। तो 12,000 हार्स पावर श्रेणी का इंजन बनाने वाला जो है भारत दुनिया का 6वां देश बन गया है। आठवां प्रश्न है कि बिहारी में जो आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसने किसे जो है अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री अपॉइंट किया है? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं और मुख्य अर्थशास्त्री बने इनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट, ठीक है। नवा प्रश्न है कि प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु देव प्रभाकर शास्त्री का बिहारी में निधन हो गया, इन्हें जो है किस उपनाम से जाना जाता था? तो देखिए, जो आपके देव प्रभाकर शास्त्री हैं इनको जो है दद्दा जी के नाम से जाना जाता था। और बिहारी में मध्य प्रदेश के कटनी में जो है दद्दा धाम में इनका जो है निधन हो गया 82 वर्ष की उम्र में। दसवां है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए जो है अपॉइंट किया है? तो देखिए, ये भारतीय अर्थशास्त्री आपके हैं आभास झाजी। 11वां कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन AD5 का सफल मानवीय परीक्षण पूरा किया? तो देखिए, इस AD5 नामक जो है वैक्सीन का परीक्षण किया था चीन ने। और देखिए, चीन की जो आपकी कंपनी है कैनसिनो, ठीक है, तो इसी कैनसिनो कंपनी ने इस AD5 वैक्सीन को तैयार किया था।
12वां है कि किस तिथि को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की फ्लैगशिप पहल जिसका नाम है हुनर हाट, इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जो फ्लैगशिप पहल है हुनर हाट, इसका आयोजन किया जाएगा 25 सितंबर 2020 को, और इसकी थीम रहेगी लोकल से ग्लोबल। और देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बात हो रहा है, तो एक चीज़ और जान लीजिए। देखिए वर्तमान में जो भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। 13वां प्रश्न है कि किस राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए अभी हाल ही में दीदी किचन शुरू की गई? तो देखिए प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड राज्य में अभी हाल ही में दीदी किचन को शुरू किया गया है। और देखिए जो आपका ये दीदी किचन है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो अपने घर वापस लौट रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, ठीक है, तो उनको मुफ्त भोजन और पानी की व्यवस्था के लिए जो है इस दीदी किचन को शुरू किया गया है। 14वां कि हाल ही में किस संस्था ने चैडाक्स वन नाम की वैक्सीन का कोरोना संक्रमित 6 बंदरों पर सफल परीक्षण किया? तो देखिए जो आपकी ये चैडाक्स वन नाम की वैक्सीन है, इसका परीक्षण किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में। 15वां कि हाल ही में किस व्यक्ति ने इराक के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो देखिए इराक के जो नए प्रधानमंत्री बने, इनका नाम है मुस्तफा अल कदीमी। 16वां है कि किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया हाल ही में? देखिए ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। देखिए खेलों को उद्योग का दर्जा अभी हाल ही में मिजोरम ने दिया है, और खेलों को उद्योग का दर्जा देने से जो है खेलों में स्थिरता आएगी और उचित पंजीकरण के साथ साथ जो है खेलों का प्रबंधन भी जो है ये सुनिश्चित होगा। 17वां प्रश्न है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? तो देखिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की जो नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, इनका नाम है जानवी फुकन, और इन्होंने इस पद पर हरजिंदर कौर तलवार का स्थान लिया है। 18वां कि हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार एस्ले कूपर का निधन हो गया? तो देखिए आपके एस्ले कूपर हैं, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के एक टेनिस खिलाड़ी थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 19वां कि अभी हाल ही में किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी अर्टीज अदुरीज ने जो है अभी हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो देखिए जो आपके अर्टीज अदुरीज थे, ये जो है स्पेन के फुटबॉलर थे, और अभी हाल ही में उन्होंने जो है फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 20वां कि हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए जो आपके बलबीर सिंह दोसांझ हैं, ये जो है हॉकी से संबंधित थे, और ये जो है 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा भी थे। और 21वां प्रश्न है कि विश्व कछुआ दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका विश्व कछुआ दिवस है, इसको मनाते हैं 23 मई को, और देखिए हर साल 23 मई को अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू के द्वारा जो है जो आपका वर्ल्ड टर्टल डे है, यानी कि विश्व कछुआ दिवस है, ये मनाया जाता है। और देखिए इस दिन को पहली बार वर्ष सन 2000 में मनाया गया था। 22वां की इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रक्टिव फेस्टुला कब मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रक्टिव फेस्टुला ये मनाया जाता है 23 मई को, और 2020 के इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रक्टिव फेस्टुला दिवस की थीम है इंड जेंडर इनइक्वलिटी, इंड हेल्थ इनइक्विटीज एंड इंड फेस्टुला नाउ। 23वां प्रश्न है कि किस राज्य ने कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार योजना को शुरू किया है? तो देखिए इस कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। 24वां कि हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है, जबकि जेमी हैम्पटन है, ये जो है अमेरिका की एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी थी, ठीक है, और अभी इन्होंने हाल ही में जो है टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। 25वां कि हाल ही में किस देश की पेशेवर पहलवान हाना किमूरा का निधन हो गया? तो देखिए ये देश आपका है जापान, जो आपकी हाना किमूरा है, ये जापान की एक प्रोफेशनल पहलवान थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। 26वां कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने नई दिल्ली में जो है भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कि कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? तो देखिए इसका उद्घाटन किया है जो भारत के एक पूर्व न्यायाधीश थे, जिनका नाम था AK सिकरी, इन्होंने। और 27वां प्रश्न है कि विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका विश्व थायराइड दिवस है, इसको हम 25 मई को हर साल मनाते हैं। और 28वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 25 मई, और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1983 में उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा की गई थी। 29वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संस्था के साथ खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ठीक है, तो इसी के साथ अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। 30वां है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया?
तो देखिए जो आपका चाइना है, इसने जो है मई महीने में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया था। और देखिए इस ड्रोन हेलीकॉप्टर का नाम दिया गया है AR-500C, इसका नाम जरूर आप याद रखेंगे। 31वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है। तो देखिए नाइजर गणराज्य में जो भारत के नए राजदूत बने हैं इनका नाम है प्रेम कुमार नायर। और जो आपके प्रेम कुमार नायर है इन्होंने इस पद पर राजेश अग्रवाल जी का स्थान लिया है। 33वां प्रश्न है कि भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए इनका नाम है सुमन गवनी। और 34वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड के चंबा में चार धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया गया, इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका उद्घाटन किया भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने। और जो आपकी सुरंग है ये 440 मीटर लंबी है। और देखिए इसको जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी कि नेशनल हाईवे 94 पर जो है ऋषिकेश धारसू रोड पर चंबा शहर के नीचे तैयार किया है। और इस सुरंग की मदद से जो है सभी मौसम में चार धाम गंगोत्री केदारनाथ यमुनोत्री और बद्रीनाथ तक जो है पहुँचा जा सकता है आराम से। 35वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने जो है कैच अप नाम का जो है एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो देखिए इस कैच आप नामक जो है नए कॉलिंग एप्लीकेशन को फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है मई महीने में। 36वां प्रश्न है कि फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो है कौन जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं। तो देखिए अमेरिका की जो मैगजीन है फोर्ब्स, इसके अनुसार जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं इनका नाम है नाओमी ओसाका, ये जापान से बिलोंग करती हैं। और देखिए जो आपकी नाओमी ओसाका, इन्होंने पिछले 12 महीनों में 3,74,00,000 डॉलर की जो है कमाई की है। 37वां कि हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। तो देखिए जो आपका ये 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है, ये मिला है वियतनाम में। और वियतनाम में एक मंदिर है, इसका नाम है माई सोन मंदिर, ठीक है। तो इसी माई सोन मंदिर के परिसर में ये लाल बलुआ पत्थर से बना जो है शिवलिंग मिला है। और 38वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो आपका लाख की खेती यानी कि लैक फार्मिंग है इसको कृषि गतिविधि घोषित किया है। तो देखिए ये राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को यानी कि लैक फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित किया गया है। देखिए लाख जो है आपने देखा होगा रेड कलर का होता है, इससे चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं और कई सारी मुहरें वगैरह भी बनती हैं सरकारी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ खिलौने वगैरह भी बनाए जाते हैं इससे। 39वां प्रश्न है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD कौन बनी। तो देखिए जो आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है इसकी नई CMD बनी है SN राजेश्वरी, और इन्होंने इस पद पर जो है AV गिरजा कुमार का स्थान लिया है। 40वां कि हाल ही में किसे जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया। तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए हैं मार्कोस ट्राइजो। और देखिए जो आपके मार्कोस ट्राइजो हैं ये जो है 7 जुलाई 2020 को NDB के अध्यक्ष के रूप में जो है अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। 41वां प्रश्न है द इको बाग पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए द इको बाग पुस्तक को लिखा है JK रावलिंग ने। और देखिए JK रावलिंग की एक और पुस्तक है हैरी पॉटर, जिसपे कई सारी फिल्में भी बनी थी, तो हैरी पॉटर की भी लिखा JK रावलिंग ही है। 42वां प्रश्न है कि केरल की पहली महिला DGP यानी कि पुलिस महानिदेशक कौन बनी। तो देखिए जो आपकी केरल की पहली महिला DGP बनी इनका नाम है R. श्रीरेखा। और देखिए अभी हाल ही में केरल की राज्य सरकार ने इन्हें जो है फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के DGP के रूप में अपॉइंट किया है। 43वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस है ये 29 मई को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के लिए इसकी थीम रही वुमन इन पीस कीपिंग अ के टू पीस। 44वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस को मनाते हैं 28 मई को। 45वां है कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे है ये 29 मई को मनाया जाता है। और 2020 के इसके अभियान का विषय यानी कि थीम है गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। 46वां है कि वर्ल्ड हंगर डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका वर्ल्ड हंगर डे है इसको मनाते हैं 28 मई को। और जो आपका वर्ल्ड हंगर डे है ये द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा शुरू की गई पहल है जिसे वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। 47वां की छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम था अजीत जोगी, जो कि अभी हाल ही में रिसेंटली पास डबे हो गए। 48वां की हाल ही में विप्रो ने किस व्यक्ति को अपना नया CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD नियुक्त किया है। तो देखिए विप्रो कंपनी के जो नए CEO और MD बने हैं इनका नाम है थियरी डेलापोर्ट, और इन्होंने इस पद पर
अविदाली निमचावाला का स्थान लिया है। देखिए जो आपकी विप्रो कंपनी है इसके अध्यक्ष वर्तमान में रिशद प्रेम जी। 49वां की किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए बिहार में रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो देखिए रोजगार सेतु योजना को मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 50वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो देखिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड की सरकार ने स्टार्ट किया है। और 51वां की हाल ही में किस दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता को क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो आपका ये क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार 2020 था ये दिया गया है क्वायरसा अब्दुल करीम को, जो कि दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता है। देखिए जो आपका ये क्रिस्टोफ मेरियल पुरस्कार है ये फ्रांस में जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। और इस पुरस्कार स्वरूप क्वायरसा अब्दुल करीम को आधा मिलियन यूरो यानी कि $551,000 का जो है एक पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है 52वां की हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया गया? तो देखिए अभी हाल ही में नरेंद्र बत्रा को बनाया गया है ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य। और आपको बता दूं जो आपके नरेंद्र बत्रा हैं ये जो है इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख भी हैं। 53वां की निम्न में से किस तिथि को हर साल जो है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस को हम 29 मई को मनाते हैं हर साल। और देखिए 29 मई का दिन बहुत ही खास है। 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने जो है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी और इसके बाद ये जो है एवरेस्ट फतह करने वाले पहले इंसान बन गए थे। तो इसलिए 29 मई को मनाते हैं हर साल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। देखिए एवरेस्ट पर्वत के बारे में दो चीज़ें खास हैं, पहला इसकी ऊंचाई कितनी है और दूसरा नेपाल में इसको किस नाम से जानाता है। देखिए एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानाता है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और एवरेस्ट के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। 54वां की हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर जो है कौन सा नया नाम दे दिया? तो देखिए जो आपका CPET है यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसका नया नाम हो गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये थे आपके आपके 54 महत्वपूर्ण प्रश्न मई महीने के आखिरी सप्ताह के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।